हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBPS SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम जो हुआ आपका 30 दिसंबर 2018 प्रीलिम्स का। तो कल जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 30 दिसंबर 2018 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, तो ओवरऑल उसके बाद क्या एक हम अनुमान लगा सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, इस बार का जो कट ऑफ क्या रह सकता है, टोटल वैकेंसी जो है इस साल की कितनी है, लास्ट ईयर की कितनी है, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे पोस्ट है जिसका जो एग्ज़ाम में एक चीज़ होता है कि जहाँ पे एक सेक्शन में आपका क्वांट पूछा जाता है तो दूसरे सेक्शन के बात अगर करें तो वहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात होती है। तो इन सारे चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ मेंस के भी बारे में बात करेंगे कि उसका जो सिलेक्शन प्रोसेसर होता है कैसे होता है। तो आप शुरू से वीडियो को अंत तक देखिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सेटिस्फाइड है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एंड HR या पर्सनल ऑफिसर की बात करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं एक नज़र में कि 75 था लॉ ऑफिसर का, 69 था राजभाषा अधिकारी का, IT ऑफिसर का 219 एंड मार्केटिंग ऑफिसर का 302 एंड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का था 853 एंड HR या पर्सनल ऑफिसर का था 81। तो सबसे ज़्यादा सीट किस में थी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। और लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का भी आपका जो था 800, इस बार 53 था। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी आपका जो वैकेंसीज था ज़्यादा था, ठीक है, लास्ट ईयर के भी वैकेंसीज की बात करें तो ज़्यादा ही था, ठीक है, 800 के आसपास में ही था। अब देखिए कि जो लास्ट ईयर की बात अगर हम करते हैं प्रीलिम्स का कटऑफ, तो लॉ ऑफिसर का कितना गया था 52.63, राजभाषा अधिकारी का 26.38, IT ऑफिसर का 89.88, मार्केटिंग ऑफिसर का 52.50 और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का 28.63। HR का अभी डाटा है नहीं मेरे पास, अर्गेनिक के पास है तो प्लीज़ हमें इस समय कमेंट करके बताना या सेंड करना, ठीक। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बात करें वैकेंसीज किसी है तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, और लास्ट ईयर की बात करें तो 28.63 रहा इसका कट ऑफ, और सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ देखने को बना तो वो 89.88 रहा, 89.88 रहा IT ऑफिसर का। तो कह सकते हैं कि इस बार जो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कट ऑफ, उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। अगर हम लॉ ऑफिसर की बात करें तो 65 से 70 के आसपास में देखने को बन सकता है, राजभाषा अधिकारी की बात करें तो 60 से 65, IT ऑफिसर की बात करें तो 85 से 90 और मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो 65 से 70 और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से 60 से 65 और HR का भी बात करें तो 65 से 70। अब तो आप लोग सोचे कि इतना डिफरेंस ह्यूज कैसे होगा, तो देखो लास्ट ईयर की तुलना करेंगे और इस साल की तुलना करेंगे तो चीज़ें बदलती है। चीज़ें क्या बदलती है, आपका क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, साथ ही साथ कैंडिडेट का जो होता है स्ट्रेटजी तैयारी वो चीज़ अलग होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ होगा। हाँ, हालांकि मानते हैं कि इस बार जो वैकेंसीज है लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर 1315 था वैकेंसी, इस बार 1599 है, तो हो ना हो आपका कट ऑफ अगर इतना तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना के आसपास में रहेगा, अगर इससे कम है तो अच्छी बात है यार, आप लोग के अगर आप लोग के मतलब फेवर में होता है तो अच्छी बात है, अगर कट ऑफ कम और जाता है तो आप लोग के लिहाज से बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं तो एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, एक ऑफिशियल डाटा नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक, एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन करके आपको मैं बताया। अब आप लोग कितना सेटिस्फाइड हुए तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कट ऑफ आसपास में रहेगा इतना मान के चलो, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें हर साल आपका कट ऑफ हाई होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेटजी बदलती है, चीज़ें बदलते हैं, तो ये चीज़ होगा। अब भाई यहाँ पे गुड अटेम्प्ट की बात करें तो बात हम क्या कह रहे थे कि देखिए लॉ अगर बात करें लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का, तो इसमें एक चीज़ होता है कि क्वांट नहीं पूछे जाते, क्वांट की जगह पे आपका जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन्स रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये दो चीज़ कॉमन होते हैं IT ऑफिसर, HR ऑफिसर, मार्केटिंग एग्रीकल्चर, लॉ एंड राजभाषा अधिकारी में ये कॉमन होते हैं, ठीक, ये दो सब्जेक्ट कॉमन है। लेकिन एक सब्जेक्ट जो होता है कि अलग होता है वो है कि जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी में पूछे जाते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो 30 से 35 का गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, जनरल अवेयरनेस की बात करें या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो 22 से 26 और इंग्लिश की बात करें तो 27 से 32, ओवरऑल की बात करें तो 79 से 93, मीन्स कि लगभग यहाँ पे देख सकते कि 90 से 95 के आसपास में यहाँ पे गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। अगर बात करते हैं IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, HR की बात करें, एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की अगर मैं बात किया था कि क्या कि यहाँ पे एक चीज़ चेंज होता है वो है क्वांट या मैथ की बात करें, रीजनिंग और इंग्लिश तो आपका सब्जेक्ट रहता ही लेकिन एक चीज़ चेंज होता है वो है मैथ, ठीक है। तो रीजनिंग में 27 से 34 की बात की जा रही है गुड अटेम्प्ट का, और मैथ की बात करें तो 23 से 30, इंग्लिश की बात करें तो 32 से 38 और टोटल की बात करें गुड अटेम्प्ट 82 से लेकर 100
टू। अब देखिए आप इस सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स तो ऐड नहीं होता, लेकिन हाँ प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई करना बहुत जरूरी, तब आप मेंस में जाएंगे। मेंस में अगर 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन बात करें यहाँ मेंस, तो मेंस पेपर आपका 27 जनवरी 2019 को मेंस होने वाला है। अगर हम प्रीलिम्स का अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 जनवरी के आसपास में, 10 से पहले एक दो दिन या एक दो दिन बाद के आसपास में रिजल्ट डेफिनेट डिक्लेयर हो जाने की उम्मीद है। चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 जनवरी को मेंस होगा, तो 15 से 18 दिन पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। मिनिमम 15 दिन, मींस कह सकते हैं कि मिनिमम 15 से 18 दिन के आसपास में आपका उसके पहले ही डिक्लेयर हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो 100 मार्क्स का होता है, ओके। तो यहाँ पे चीज़ समझिएगा। अब देखिए यहाँ प्रीलिम्स की बात यहाँ पे करें तो टोटल कितने होते हैं, कोई 150 क्वेश्चन होते हैं, 125 मार्क्स के लिए होते हैं। इंग्लिश 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मार्क्स होते 25। लेकिन अगर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करें, बैंकिंग अवेयरनेस की, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। मीडियम की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन होते हैं। टाइम की बात करें तो 120 मिनट और पर्टिकुलर की बात करें तो 40-40 मिनट तीनों सेक्शन में मिलता है। तो ठीक है, ओवर नो डाउट कि आपका टाइम सफिशियंट है, नो डाउट। अगर बात करते हैं आईटी ऑफिसर या एचआर की बात करें, मार्केटिंग ऑफिसर की, एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मार्क्स आपका 125, लैंग्वेज दोनों इंग्लिश हिंदी में रहेंगे क्वेश्चन, 120 मिनट और 40-40 मिनट तीनों सेक्शन के लिए होगा। इंग्लिश का सिर्फ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, बाकी सभी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, मीन्स एक मार्क्स के सभी होगा। इतना तो हो गया प्रीलिम्स। अब मेंस का बारी है, मेंस में क्या होता है भाई, देखिए आईटी ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये जो 5 पोस्ट के लिए मेंस का पेपर होता है, जिसमें कि प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, ठीक। जिसमें कि 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 45 मिनट का समय मिलेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। चूँकि अगर जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो मेंस के पास के लिए आपके पास समय नहीं, 27 जनवरी काफ़ी नज़दीक समय, मीन्स की कह सकते हैं अभी से लेकर तो 26 दिन आपके पास समय बचता है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी, ठीक। अब आते हैं एक सेक्शन जो कि अलग होता है, वो है राजभाषा अधिकारी का। राजभाषा अधिकारी भी मेंस में क्या होता है कि प्रोफेशनल नॉलेज तो होता है, ठीक, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन डाले जाते हैं। मीन्स यहाँ से जो 60 क्वेश्चन था उसमें यहाँ से आपका 15 क्वेश्चन कम किएंगे और इसके जगह पे आपको डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन डाले गए। मीन्स की प्रोफेशनल नॉलेज का 45 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव का 2 क्वेश्चन, मार्क्स आपका 60 रहेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होगा और 30-30 मिनट पर्टिकुलर में मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे था कि ओवरऑल जो था कि आपका क्या था, जो एग्ज़ाम हुआ 30 दिसंबर 2018 का, तो उसका जो गुड अटैम्प्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर का वैकेंसी, इस साल की वैकेंसी, लास्ट ईयर कट ऑफ, इस साल का कट ऑफ, प्रीलिम्स में क्या होते, प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होते, मेंस में क्या होते। अब इसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके बाद ये 2 चरण के बाद आपका जो होगा, प्रीलिम्स के मार्क्स तो ऐड नहीं होते, लेकिन मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जो कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। गाइस तो यहाँ पे सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी और समझ में आने के साथ आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि जो भी डाटा था मैंने कलेक्ट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ठीक। तो थोड़ा वीडियो इस बार जो था, कल तो मैं पोस्ट किया था एक वीडियो, तो उसमें कुछ चीज़ थी जो मिस हो गया था, लेकिन आज मैं जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उसमें सारी चीज़ क्रमबद्ध तरीके से एक बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, एक फॉर्म में बनाकर, एक बढ़िया फॉर्मेट में बनाकर, ताकि चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। हर सेक्शन में आपको हर चीज़ें समझ में आए, ताकि आप किसी तरह का डाउट आपके मन में ना हो, ठीक। अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, कहीं पे आपको डाउट लगे तो भी कमेंट करके बोलना, ठीक। तो गाइज बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।